अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेके आए हैं आपके लिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों राजस्थान में उदयपुर शहर के धनमंदिर थाना क्षेत्र के मालदास स्ट्रीट पर मंगलवार को दिन दहाड़े दो जिहादियों ने एक टेलर कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या कर दी। मृतक का कसूर केवल इतना था कि उसके 8 साल के बेटे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। इससे कट्टरपंथी नाराज थे और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मंगलवार को दोनों कट्टरपंथी टेलर की दुकान पर पहुंचे और फिर पीछे से वार करके उसकी तेज धार तलवार से उसकी हत्या कर दी। उदयपुर हत्याकांड में मारे गए कन्हैया के सबको 7 घंटे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रशासन और परिवार के बीच सहमति के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि कन्हैया लाल के परिजनों को 31 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, साथ ही साथ परिवार के 2 लोगों को संविदा नौकरी देने की घोषणा भी राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। सरकार ने इस मामले में आरोपियों से समझौता करने वाले धनमंदिर थाना के एएसआई भंवर लाल को भी निलंबित कर दिया है और मामले की जाँच एसआईटी को सौंप दी है। दोस्तों बिहार के गोपालगंज जिले से एक ऐसी चौंकाने वाला घटना सामने आया है। दादा और पोते को सांप ने काट लिया। परिजन आन फान में दोनों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर के साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीज और तिमारदास उस वक्त हैरान रह गए जब दोनों के साथ आए परिजनों के थैले से सांप निकाला। परिजनों का कहना था कि उन्होंने सांप को इसलिए अपने साथ लाया ताकि उसकी पहचान हो सके। थैले से सांप निकालते ही अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके तिमारहार भय से इधर उधर भागने लगे। बाद में पता चला कि सांप मरा हुआ है, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। परिजनों ने बताया कि सांप ने पहले बच्चों को डसा था, उसके बाद पोते को बचाने गए बुजुर्ग दादा को भी सांप ने डस लिया। सांप की प्रजाति की पहचान हो सके इसलिए इसे मारने के बाद सदर अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाने के लिए परिजन लेकर पहुंचे थे। दोस्तों भाजपा सांसद वरुण गांधी द्वारा सांसदों की पेंशन को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। वरुण गांधी के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है कि वो उनकी व्यक्तिगत राय भी दे दी है, व्यक्तिगत राय देने के लिए भी स्वतंत्र है। खबरों का कहना है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बोला है कि सभी सांसदों को अपनी पेंशन छोड़ देनी चाहिए ताकि अग्निवीरों के पेंशन की राह आसान होने वाला है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि इंडिया की महान जनता ने कभी स्वच्छता के लिए टैक्स दिया तो कभी जरूरतमंदों को गैस भी दी जाएगी, इसलिए अपनी सब्सिडी छोड़ी। इसी त्याग भाव से प्रेरणा लेकर क्या हम सभी देशभक्त सांसद अपनी पेंशन का त्याग कर सरकार का बोझ कम नहीं कर सकते, अग्निवीरों को पेंशन की राह आसान नहीं कर सकते। दोस्तों अगर कोई चोर किसी दूसरे व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाए तो उसे आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ प्रोपेगेंडा वेबसाइट अल्ट न्यूज के साथ संस्थापक मोहम्मद जुबेर के साथ। बता दें कि मोहम्मद जुबेर वही है जिन्होंने नुपुर शर्मा के एक कथित बयान का मुद्दा बनाकर दुनिया भर में इस निंदा का हंगामा मचा दिया था, जबकि बहस के उस वक्त में ये स्पष्ट दिख रहा था कि नुपुर शर्मा पलटवार कर रही है। यानी जब बार बार मुस्लिम पैनलिस्ट द्वारा सिबलिंग को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की जा रही थी, तब अपने अपराध का अपमान होते देख नुपुर शर्मा ने जवाब देते हुए कहा था कि यदि आप ऐसा कहेंगे तो हम भी पैगंबर पर ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सिबलिंग के अपमान का मामला पूरी तरीके से दब गया और पैगंबर विवाद पर दुनिया भर के मुस्लिम को भड़का दिया गया। दोस्तों बिहार में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज गांधी मैदान में अग्निपथ योजना के विरोध में धरने पर बैठ गए। राजधानी पटना में अग्निपथ योजना के विरोध में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव धरने पर बैठ गए। इस योजना को वापस लेने की मांग को लेकर युवा हल्ला बोल संगठन के बैनर तले जुटे युवा कार्यकर्ताओं के साथ पप्पू यादव ने गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। उन्होंने युवाओं के साथ गांधी मूर्ति के नीचे इस योजना को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पप्पू यादव और सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग ने कहा कि केंद्र सरकार के इस योजना के जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों बिहार में मंगलवार को आकाश से बिजली गिरने और आंधी के चलते 22 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले में 4, भोजपुर में 3 तो सारण में 5, पश्चिम चंपारण और अररिया में 2-2, बांका और मुजफ्फरपुर में 1-1 व्यक्ति, बक्सर और नवादा में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावा आज के मौसम की बात करें तो यूपी के कई जिले में मानसून दस्तक दे सकता है, वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में भी बारिश के आसार है। दिल्ली में अगले 24 घंटे के भीतर मौसम करवट ले सकता है।
दोस्तों आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में शानदार जीत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट करने के बाद मंत्रियों, विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों से मिलने के बाद दिनेश लाल यादव भाजपा के प्रदेश मुख्यालय भी पहुंचे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में निर्वाचित लोकसभा सदस्य दिनेश लाल यादव ने कहा कि आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में पार्टी को अच्छी जीत मिली। उन्होंने कहा कि यह जीत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल संगठन की देन है। दोस्तों राजस्थान के उदयपुर धानमंडी थाना क्षेत्र के टेलर कन्हैयालाल की मंगलवार को बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या करने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तुरंत सजा देने की मांग की है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी ने फांसी देने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने घटना को लेकर मंगलवार को ट्वीट कर लिखा, उदयपुर की दरिंदगी से मन व्यस्थित धार्मिक कट्टरपंथ किसी भी समुदाय को ना सिर्फ अंधा बनाता है बल्कि उनके सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और एक कट्टरपंथ दूसरे कट्टरपंथ को पोषित करता है कि दरिंदों को तुरंत सजा मिले। दोस्तों चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के राज्य में जाति आधारित जनगणना के निर्णय को सही कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, साथ ही संकलित किए गए आंकड़ों का उपयोग कर राज्य के दबे कुचले वर्ग की मदद के लिए नीतियां बनाने में किया जाना चाहिए। मंगलवार को पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने ये बातें कही है। दोस्तों सरकार कंपनी ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आई है। पेट्रोल में 0.06 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 0.06 प्रति लीटर का उछाल आया है। राजधानी पटना में पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए बिक रहा है। हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की जाती है, जिसके बाद सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू हो जाते हैं। SMS के जरिए घर बैठे अपने शहर के पेट्रोल और डीजल के रेट जानने के लिए आपको मोबाइल पर RSP लिखकर 9224992249 पर मैसेज करना होगा, जिसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उदयपुर में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की घटना की निंदा करते हुए मंगलवार को कहा कि धर्म के नाम बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती और आतंक फैलाने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस कदर हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त सजा मिले। राहुल गांधी ने कहा कि हम सभी को मिलकर साथ में नफरत को हराना है। मेरी सभी से अपील है कि कृपया शांति और भाईचारा बनाए रखें। दोस्तों पटना के नवनिर्मित JP गंगा पथ पर अब लोगों को जाम सहित अन्य किसी तरह की असुविधाएं नहीं होगी।